सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ITI स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं आपको ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड ही कुछ अपडेट देने वाला हूँ। लेकिन इसमें जो भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, ये ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। हो सकता है कि फ्यूचर में DGT द्वारा इसके बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जो पॉसिबिलिटी है DGT द्वारा आप लोग को रिलैक्सेशन देने के लिए। ठीक है दोस्तों, और तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए DGT द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, चाहे उन्होंने अभी तक एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, या फिर जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंपलसरी है, उनको करना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों ने जनवरी में अपना एग्जाम दिया है किसी भी सेमेस्टर का, उनके लिए कंपलसरी इसलिए है क्योंकि DGT द्वारा नोटिफिकेशन ये कहा गया है कि रिजल्ट उनका रोक दिया जाएगा जिन्होंने जनवरी 2019 में अपना एग्जाम दिया है किसी भी सेमेस्टर का। तो उनके लिए तो बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले, जिनसे कि उनका रिजल्ट DGT द्वारा जो जब भी अनाउंस हो डिक्लेयर किया जाए तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आवे, डिले ना हो, उनका रिजल्ट सबके साथ डिक्लेयर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जिन बच्चों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, जून में उनके फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, उनका क्या है। तो दोस्तों उनको भी डेट जो DGT द्वारा अनाउंस की गई थी 30 मार्च 2019 तक ही अनाउंस की गई थी कि सभी बच्चों को इसी डेट के भीतर अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर लेना है। लेकिन दोस्तों जब से ये DGT द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, सभी जगह इसकी बात पहुंच चुकी है बच्चों तक, तो तब से क्या हो रहा है कि जो NCVT या MyS पोर्टल, जिस वेबसाइट पे जाके आपको अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है या ITI के स्टूडेंट्स को अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है, उसकी वेबसाइट काफ़ी दिक्कत चल रही है। उसमें दिन दिन भर वेबसाइट नहीं चल रही है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट या एक घंटे वेबसाइट चलती है पूरे 24 घंटे के अंदर, और जिससे कि बच्चे अपना ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कर सकती है DGT, इसका कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से DGT द्वारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 30 तारीख के बाद भी चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 30 तारीख के बाद DGT द्वारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को ऑप्शन को हटा दिया जाएगा या उसके लिंक को हटा दिया, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि भाई हम लोग की साइट जो DGT NCVT MIS की साइट है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। अगर प्रॉपर वर्क करती तो 30 तारीख तक सभी बच्चों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया होता। तो दोस्तों जिस हिसाब से वेबसाइट चल रही है, मुझे लगता है कि 24 घंटे में 2 या 3 घंटे प्रॉपर वेबसाइट चलती है, वो भी रुक रुक के, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट करने में। तो मेरे हिसाब से डेट बिल्कुल बढ़ा दी जाएगी, जैसे ही उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है DGT, मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से उसका पूरा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को के लिंक को हटाया नहीं जाएगा, हो सकता है कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी ना किया जाए बट लिंक को उसी तरह जैसा है वैसा रख दिया जाएगा कि जिन भी बच्चों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो धीरे धीरे अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट करते चलें, जिससे कि उनको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि DGT को ये मालूम है कि उनकी NCVT MIS की वेबसाइट प्रॉपर नहीं चल रही है। दिन दिन भर आप देखते होंगे, जब भी खोलते होंगे सर्विस अनअवेलेबल, कभी OTP नहीं आता है, कभी कुछ तरह की दिक्कत होती है, कभी लोडिंग ही करता रह जाती है वेबसाइट सारी डिटेल सबमिट करने के बाद, कभी कैप्चा एंट्री के इश्यूज आते हैं। दोस्तों अगर आपने अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है तो वेरी गुड है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है
तो घबराने की बात नहीं है, ट्राई करते रहिए, जैसे ही आपका हो जाए तो आपके लिए तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ट्राई करते रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डीजीटी द्वारा 100% आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आप लोग को बता देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग के मन में होगा कि 30 तारीख लास्ट डेट, अगर नहीं किया तो हमारा रिजल्ट रुक जाएगा, काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर वेबसाइट प्रॉपर चलती तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल श्योर थी कि 30 तारीख को बंद किया जा सकता था डीजीटी के द्वारा, लेकिन वेबसाइट ही नहीं रन कर रही है तो भाई आप ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कैसे करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। तो घबराइए मत, अपना काम जब भी आपको समय मिले, जैसे ही वेबसाइट प्रॉपर वर्क करे तो आप अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं हमारे ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।